Good morning, students. First of all, you write your names in the comment box. कमेंट बॉक्स में अपना नेम लिखिए, अपनी अटेंडेंस लीजिए. स्नेहा शर्मा, मोनिका राणा, सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने दीजिए. लेट ऑल द स्टूडेंट्स ज्वाइन दिस क्लास. This is the part 2. हमने पहले light, you know that we are studying chapter 10, light. Okay, first part हम इसका कर चुके हैं, that was introduction of this chapter. Okay, that was very important. अगर आपने first part नहीं देखा है तो please उसको देखिएगा पहले. Okay, हम उससे आगे start करेंगे. This is part 2 of this chapter, reflection and refraction. I think most of you have joined this class. So in last class, let me recapitulate the last class, what happened in last class. Light, what is light? I told you what is light, what is reflection, what is refraction. You can write in the comment box, what do you mean by reflection and refraction? Kya difference hota hai dono mein? Reflection means the light strikes on a smooth surface and bounces back. Refraction kya hota hai? Light passes through a transparent medium. Reflection is this, okay, and refraction is this. Reflection mein bounce back ho gayi light, aur refraction mein pass ho gayi through a transparent medium. Reflection kaise hota hai? Reflection occurs in a mirror, smooth surface. And refraction kis mein hota hai? Refraction happens in glass, okay, glass or air, anything which is transparent. जो भी transparent होता है उससे refraction होता है. आपने ये पढ़ा था, reflection in mirror, reflection in lens or glass. ठीक है, आपने पढ़ा reflection by a plane mirror. Plane mirror में reflection कैसे होता है आपने ये पढ़ा, okay. और आपने glass slab, एक glass slab दिखाई थी आपको, उसमें reflection कैसे होता है वो पढ़ा था. I told you there are various types of mirrors and lenses. जैसे कि plane mirror जो होता है उसके अलावा भी कुछ mirrors होते हैं, जैसे कि concave and convex, concave and convex. Lens भी होते हैं, concave lens, convex lens. ठीक है? In last class मैंने थोड़ा concave mirror का start किया था. आप अपने आपके पास paper pen होना चाहिए. Paper pen में आप अपना जो भी मैं डायग्राम इधर बनाने वाला हूँ वो आप अपने पेपर पर बनाएंगे, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा. ठीक है, आप खुद भी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू मेक डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाइए, कॉनकेव लेंस का डायग्राम बनाइए, कॉन्वेक्स मिरर का और कॉन्वेक्स लेंस का. ठीक है, मैं भी इधर बना रहा हूँ, आप भी बनाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर बनाना है, कॉनकेव मिरर. So first of all we will make concave mirror, okay? Concave mirror इधर बनाएंगे, concave lens बनाएंगे, या फिर convex lens बनाएंगे. एक चीज आप समझिए कि देखिए concave mirror और convex lens, lens कौन सा convex और मिरर कौन सा कॉनकेव, दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी. ठीक है, जैसा डायग्राम आप इसमें बनाएंगे सिमिलर डायग्राम भी आप कॉन्वेक्स में बनाएंगे. ठीक है, सो वी विल कंपेयर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड लेंस. ठीक है, कॉनकेव मिरर के नीचे आप बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. एंड
कॉन्वेक्स लेंस इधर हो गया तो कॉनकेव लेंस. ओके, सो बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज यू विल स्टडी. कॉनकेव मिरर बना लिया सभी ने. कॉनकेव मिरर कैसा होता है? लाइक दिस. ओके, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, लास्ट क्लास में आपने सीखा था. कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? यू. ओके, कॉनकेव लेंस कैसा होता है? यू. ये फोर टाइप्स ऑफ मिरर एंड लेंसेज आप देखिए. दिस इज कॉनकेव मिरर. कॉनकेव का मतलब क्या होता है? जो कि अंदर की तरफ कर्व्ड इनवर्ट्स. आप देख रहे हो अंदर की तरफ थोड़ा इनवर्ट्स है, तो ये कॉनकेव मिरर है. कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है. आप देख रहे हो ये बाहर की तरफ, ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप एक और जो है कर्व बना दोगे तो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, ठीक है. कॉनकेव लेंस कैसे बनेगा? अगर आप कॉनकेव मिरर में एक और लाइन इधर लगा दोगे तो वो कॉनकेव मिरर लेंस बन जाएगा. ओके, सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है, उसमें फर्क करना आना चाहिए, ठीक है. कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. ओके, कोई कंफ्यूजन है तो लिखो कमेंट बॉक्स में. ऑलराइट, व्हाट इज दिस लाइन? इस लाइन को क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड? राइट इन द कमेंट बॉक्स. इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. सभी में प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए. प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी आप डायग्राम ये वाले बनाओ आप स्केल से बनाना, ठीक है. स्केल से सीधी लाइन आएगी, हाथ से सीधी लाइन नहीं आएगी. दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस और मिरर. ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है आपका. ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा और क्या क्या बनाते हो आप मिरर में? यू नो दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. एक सर्कल का, एक स्फीयर का पार्ट है ये. ओके, तो स्फीयर में सेंटर होता है, आप सेंटर बनाते हो. तो इस स्फीयर का सेंटर कहां होगा? अप्रोक्सीमेट इधर होगा. दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? इधर. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑलराइट, पहले मिरर का देखिए, लेंस का बाद में देखना. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. दिस इज नोन एज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर. द मिड पॉइंट ऑफ मिरर, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल. ये सब लास्ट क्लास में हो रहा है, उसी का रिकैपिटुलेशन है. दिस इज पोल. पोल, ओके. व्हाट इज बिटवीन पी एंड सी? फोकस. फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकस, फोकस, ठीक है. फोकस हो गया. इस चीज को ध्यान रखना, जिस तरफ सर्कल बनेगा उसी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होगी. इसका सर्कल इस तरफ बनेगा, उसका सर्कल इस तरफ बनेगा. फोकस और सेंटर इधर होगी, ठीक है. सो दैट्स हाउ यू मेक मिरर, ठीक है. लेंस में क्या होता है? व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ लेंस? इसमें पोल था, उसमें ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर ओ. इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर ओ. ओके, यू नो दैट देयर आर टू कर्व्स. इसमें दो कर्व है. मिरर में एक ही कर्व था, लेंस में दो कर्व है. सो देयर विल बी टू फोकस. एक फोकस इधर, एक फोकस इधर. F1, F2, ठीक है. F1 का डबल क्या हो जाएगा? 2F1 एंड 2F2. इतना बात ही है. इसी में भी सेम तरीके से बनाया हुआ. F1, 2F1, F2, 2F2. ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू ड्रॉ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स. इसको देख लीजिए जल्दी से एक बार, उसके बाद डायग्राम बनाने हमें. इतना आपको आ जाए उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए मिरर और लेंस करते क्या है. व्हाट डज अ मिरर डू? मिरर का फंक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन. मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट. रिफ्लेक्ट्स द लाइट मींस लाइट को वापस बाउंस बैक कर देता है. लाइट इधर से आ रही है, उसको वापस ही भेज देता है, ठीक है. लेंस क्या करता है? लेंस रिफ्रैक्शन करता है. लेंस रिफ्रैक्शन करता है. रिफ्रैक्शन मींस पासिंग थ्रू. उसको लाइट की रिलेटिव और उसको पास कर देगा, ठीक है, वापस नहीं भेजेगा, ठीक है. दूसरी चीज, ओके, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. दूसरी चीज क्या होती है? देखिए किस तरीके से कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट करेगा लाइट.
लाइट रे इधर आ रही है, ओके। अब कॉनकेव मिरर क्या करता है? वी नो दैट कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मींस लाइट को कन्वर्ज कर देता है एट वन पॉइंट, ओके। सो लाइट रे या तो ऐसे जाएगी वापस या फिर ऐसे, इसकी शेप ऐसे है, अंदर है बंद है, तो लाइट को भी अंदर बंद कर लेगा, मतलब अंदर ऐसे पास कर देगा, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? देखिए कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रे, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट को आपने मिरर के सामने रखा है, ठीक है। इसमें भी एक ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या हो रहा है? लाइट रे स्ट्राइक्स मिरर, व्हेन लाइट रे स्ट्राइक्स मिरर आइदर इट विल गो दिस साइड और दिस साइड। बताइए आप कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है, मतलब रेस को डाइवर्ज कर देता है, मींस इसमें डाइवर्जन होगा ऐसे, ठीक है। कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर अंदर ले जाएगा लाइट को, कॉन्वेक्स मिरर बाहर भेज देगा लाइट को, ओके। अब लेंस पर आ जाइए, कॉन्वेक्स लेंस पर। कॉन्वेक्स लेंस में मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट है कोई, लाइट का सोर्स है। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन द लेंस, फर्स्ट थिंग इट विल नॉट बाउंस बैक, इट विल पास थ्रू। लेंस है तो पास थ्रू करेगा उस तरफ। अब कैसे कर सकता है? या तो ऐसे कर देगा ऊपर या फिर नीचे। आप याद रखिए कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज मिलती है, कॉनकेव मिरर भी कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स लेंस भी कन्वर्जिंग होता है। तो कन्वर्जिंग होने का मतलब क्या है? ऊपर जाएगी लाइट या नीचे जाएगी? कॉन्वेक्स लेंस का मतलब कन्वर्जिंग, कन्वर्ज करेगा मतलब एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा नीचे, ओके, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट। लेंस के सामने आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया है, लाइट रे स्ट्राइक्स द लेंस, लाइट रे जो है लेंस पर स्ट्राइक की, लेंस पर गिरी, उसके बाद क्या होगा? कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा मींस अंदर में बाहर ऊपर की तरफ भेज देगा लाइट रे को, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज रे डायग्राम्स। जब भी आप रे डायग्राम्स बनाओगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही ध्यान रखनी है, ठीक है। आप इन सब डायग्राम्स को कंपेयर करो, खुद बनाओ देखकर नहीं, एक बार खुद से बनाओ सारे डायग्राम्स कि रे मिरर और लेंस में किस तरीके से पास होगी या रिफ्लेक्ट होगी, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, नीचे की तरफ कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, ठीक है। ये दो चीजें कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस बोथ आर कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस बोथ आर डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग है सो रे ऑफ लाइट फैल रही है, डाइवर्ज का मतलब फैलना, कन्वर्ज का मतलब फोकस ऑन एक पॉइंट पर, तो कन्वर्ज हो रही है तो नीचे की तरफ, डाइवर्ज हो रही है तो बाहर जा रही है, फैल रही है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से, कॉनकेव लेंस, इसको देखिए ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, देखिए अब इस डायग्राम को देखो ध्यान से, ओनली दिस वन कॉनकेव मिरर। आप देखिए पहला रूल आपको समझ आया, फर्स्ट रूल इज इन मिरर लाइट रिफ्लेक्ट्स, सेकंड रूल कॉनकेव मिरर लाइट कन्वर्जेस, ठीक है। अब आप देख रहे हो इस लाइट को मैंने कहां से पास किया, एफ से। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन कॉनकेव मिरर इट रिफ्लेक्ट्स थ्रू द फोकस, ये लाइन कहां से जाएगी? फोकस पॉइंट से जाएगी, ठीक है। दिस इज नोन एज फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। व्हाट इज फोकस? फोकस इज डिफाइंड एज द पॉइंट लाइट कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे लाइट कन्वर्ज होगी उस पॉइंट को कहेंगे फोकस, ठीक है। पहली रे फोकस से। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस में देखिए, व्हेन लाइट रे स्ट्राइक्स कॉन्वेक्स लेंस इट रिफ्रैक्ट्स, इट पासेस थ्रू एंड इट पासेस थ्रू फोकस, इसमें भी फोकस से ही पास होगी, फर्स्ट लाइट रे ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। अब इसमें देखिए, इसमें बोलोगे आप इसमें तो फोकस से पास नहीं हो रही है, देखिए
जो कॉन्वेक्स मिरर होता है सिंस इट डाइवर्सेस द लाइट, ओके इट डाइवर्स कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है इस लाइट को, और इसका फोकस दूसरी तरफ है, तो हम क्या कर देखते हैं इसमें कि इट डज नॉट एक्चुअली पास थ्रू फोकस, फोकस से पास नहीं होगी, बट इट अपीयर्स एज इफ इट इज पासिंग थ्रू फोकस. क्यों? क्योंकि जब भी आप डायग्राम बनाओगे इसको इस तरीके से जो है रिफ्लेक्ट करोगे कि पीछे से ये फोकस तक जाकर मिल जाए. ठीक है, एक स्केल लोगे आप और स्केल से फोकस की ही लाइन में इसको रिफ्लेक्ट करोगे, सो दैट व्हेन यू प्रोड्यूस इट बैकवर्ड्स इट पासेस थ्रू फोकस. सो इन कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली मीट एट फोकस, दे अपीयर टू मीट एट फोकस. They appear to be at focus. Similarly, concave lens, okay, it is also diverging lens. So, when light strikes on this lens, it does not pass through focus, but it appears as if it is passing through focus. क्योंकि जब आप इसको पीछे की तरफ लेकर आओगे इस light ray को जो कि refract हुई है, तो ये light ray जब when you produce it backwards it passes through focus. ठीक है, so इस तरीके से इसको reflect करना है कि पीछे backwards ये focus तक मिल जाए. okay, so आप इसकी बार बार practice करोगे तब आपको समझ आएगा. if you have any doubt, कोई भी चीज समझ नहीं आई है तो पूछ सकते हो. that's why this live class has been conducted. live class का फायदा इसीलिए है कि आप तुरंत अपना doubt पूछ सकते हो. ओके, सो मींस फर्स्ट लाइट रे सभी को समझ आ गई है कैसे कैसे पास होगी. ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट लाइट रे ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस. ठीक है, सेकंड देखिए, आपको जैसे आपने प्लेन मिरर में पढ़ा था, अपनी इमेज आपने मिरर में बनाई थी, उसी तरीके से ये मिरर भी इमेज बनाएगा कहीं पर. उसके लिए हमें दो लाइट रेज की जरूरत है. फर्स्ट लाइट रे आपने इधर बना दी है. सेकेंड लाइट रे, सेकेंड लाइट रेज के थ्री रूल्स मैंने आपको बताए थे. आप सेकेंड लाइट रे को या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सी है, सी पॉइंट से पास करा सकते हो. फर्स्ट प्रायोरिटी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंड प्रायोरिटी फोकस से पास करा सकते हो, थर्ड पोल से. ठीक है, सो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराइए सबसे पहले. ये आपकी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होनी चाहिए. आप साथ साथ इसको बनाते रहिए नहीं तो समझ नहीं आएगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, अब हाउ विल इट रिफ्लेक्ट, ये वापस कैसे आएगी? इट विल कम बैक इन सेम डायरेक्शन. व्हेन एनी लाइट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिफ्लेक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन. ओके, सो इन दिस वे इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि इसका नॉर्मल जो है वो भी सेम है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो इट विल कम बैक इन द सेम डायरेक्शन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो आप बताइए इमेज कहां बनेगी इसकी? देखिए ये जो टॉप पॉइंट है, ये रेज कहां से आ रही है? टॉप पॉइंट से आ रही है, इस ऑब्जेक्ट की टॉप पॉइंट से. और ये रेज मिल क्या है, कहां पर रहेगी? इस पॉइंट पर. तो जो ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट ये है और इमेज का टॉप पॉइंट ये है. ऑब्जेक्ट का सर ये है और इमेज का सर ये है. तो आप इसको, इसकी इमेज कैसे बनेगी? इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड. आप देख सकते हैं इसको ध्यान से कैसी इमेज बन रही है, रियल एंड इनवर्टेड. ओके, लाइट रे, फर्स्ट लाइट रे पासेस थ्रू फोकस, सेकंड लाइट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इमेज इज फॉर्म रियल एंड इनवर्टेड, इनवर्टेड इमेज बन रही है. ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा, धीरे धीरे और समझ आ जाएगा. अब आप देखिए कॉन्वेक्स लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस को देखिए. फर्स्ट लाइट रे पासेस थ्रू फोकस, फर्स्ट लाइट रे पासेस थ्रू फोकस. आप इसको वापस मत भेज देना क्योंकि ये लेंस है, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है. फर्स्ट लाइट रे पासेस थ्रू फोकस, सेकंड लाइट रे, उसमें सेकंड लाइट रे कहां से पास होती? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. इसमें सेकंड लाइट रे कहां से पास होगी? ओ से. व्हाट इज ओ? Is optical center. Pass this light ray through optical center. Scale से ही बनाना हमेशा, scale से. ठीक है, इस light ray को optical center से सीधा pass कर दो.
ओके एक पॉइंट पर ये दोनों लाइट रेज मिलेगी, फर्स्ट लाइट रे थ्रू फोकस, सेकंड लाइट रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा जाएगी बिल्कुल, ठीक है सीधा। सो इन दिस वे यू आल्सो ऑब्टेन अ इनवाइटेड इमेज, इस केस में भी आपको इनवाइटेड इमेज मिल रही है, ठीक है। फर्स्ट लाइट रे थ्रू फोकस, सेकंड थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट लाइट रे थ्रू फोकस, सेकंड थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, दिस पॉइंट पर एट द पॉइंट where light rays meet, you can make the image. Okay. So in concave mirror and convex lens, we obtain real and inverted image. Image देखिए, object means any object, कोई भी light source, जहाँ से light आ रही है, ठीक है, that is object. What is image? Image means your impression. जो भी object का impression इस mirror या lens से बन रहा है, ठीक है? So, इमेज जो होती है वो टू टाइप्स होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, पहली इनवाइटेड उल्टी इमेज बन रही है, इनवाइटेड इमेज बन रही है, ठीक है। इनवाइटेड इमेज जब भी बनेगी दैट इज ऑलवेज रियल इमेज, रियल इमेज का मतलब होता है दैट इमेज विच इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। आप देख रहे हो दीज लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग, सो Whenever real image is formed, it is always invited. तो जब भी आप real लिखोगे, उसके साथ invited भी लिखना compulsory है, because real के साथ हमेशा invited image बनती है, real and invited, ठीक है? Second type of image is virtual image. Virtual image जो होती है, वो क्या होती है? आपको इन डायग्राम से समझ आएगा, ठीक है? ये डायग्राम किसका है? कॉन्वेक्स मिरर का। दिस इज डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आपने बनाया, यू नो फर्स्ट लाइट रे रिफ्लेक्ट्स बैक एंड इट अपीयर्स दैट इट इज पासिंग थ्रू फोकस, फोकस उसका दूसरी तरफ है, लेकिन लाइट रे इस तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, इट मींस दैट इट इज नॉट एक्चुअली पासिंग थ्रू फोकस बट इट अपीयर्स दैट इट पासिस थ्रू। आपको इस तरीके से इसको रिफ्लेक्ट करना है कि बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करें तो फोकस पर जाकर मिल जाए, ठीक है। पहली लाइट रे फोकस, दूसरी लाइट रे आपने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? ये है, ठीक है। अब आप इस लाइट को सीधा नहीं लेकर जा सकते वहां तक, क्यों? क्योंकि अगर आप सीधा लेकर गए तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, लाइट पास हो जाएगी इस तरफ, ठीक है। तो हमें पास नहीं कराना है, हमें रिफ्लेक्ट कराना है, तो आप रिफ्लेक्ट इस तरीके से कराओ कि जब बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर ही मिले। तो एक स्केल लो, ठीक है, और स्केल जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए, और फिर एक लाइन आप यहाँ तक ही, बस लेंस तक ही आपको लाइन जो है ड्रॉ करनी है, क्योंकि फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस चली जाएगी, ओके। देन यू प्रोड्यूस इट बैकवर्ड्स so that it meets at C, it passes through C, okay. First light ray appearing to pass through focus, second light ray appearing to pass through center of curvature. अब आप देखिए ये दोनों rays कहाँ पर मिल रही हैं? इस point पर मिल रही हैं। इस point पर मिल रही हैं मतलब ये point किसकी image है? इस point की image है, और ये point क्या है? Top point है, तो ये top point भी ऊपर ही होगा, तो top point बनाइए ये, ठीक है। सो यू कैन सी इसमें इमेज कैसी बन रही है, उसमें तो इनवर्टेड इमेज थी, उल्टी इमेज थी, इसमें सीधी इमेज है। तो इन दिस केस वी आर ऑब्टेनिंग इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, सीधी इमेज बन रही है, ओके। दूसरी चीज आप देख रहे हो द रेज आर एक्चुअली नॉट मीटिंग, द रेज आर एक्चुअली नॉट मीटिंग, क्योंकि देखिए एक रे लाइट रे कहां जा रही है? तो ऊपर जा रही है ना, और दूसरी इधर आ रही है, मीट कहां मिल रही है? मिल तो नहीं रही, हमने इनको मिलाया, कैसे मिलाया? बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करके। सो सच काइंड ऑफ इमेज वी कॉल वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट ऐसा लगता है कि वो मिल रही है जब व्हेन वी प्रोड्यूस द बैकवर्ड्स, दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स नॉट रियल, एक्चुअली नहीं है,
वर्चुअल है, ऐसा हमें यूजिंग हो रहा है कि ये बैकवर्ड्स मिल रही है. सो दैट इज नोन एज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ऑलवेज रिमेंबर, इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी. जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी इरेक्ट ही होगी. वर्चुअल एंड इरेक्ट और रियल एंड इनवर्टेड. ओके, लुक एट दिस डायग्राम्स केयरफुली. अब तक जो हुआ है, ये लास्ट वाला डायग्राम कॉनकेव लेंस, ये आप खुद बनाइए जल्दी से. कॉनकेव लेंस का डायग्राम खुद बनाइए. इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी जल्दी से डायग्राम बनाइए, और कहीं समझ आया तो पूछिए. This live class is going on two channels, KV Ranikhet channel और दूसरा science वाला channel है. आप prefer कीजिए कि KV Ranikhet के channel पर ही आप इस video को देखें, ठीक है? जो KV Ranikhet school का जो channel है उसी पर इस video को देखिए, उसी पर live देखिए. That is more clear और उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा. Instead of science channel, Ranikhet वाले KV Ranikhet के channel पर देखिए. ठीक है, इतना हो गया. कॉनकेव लेंस का डायग्राम आपने बनाया, इसीलिए नहीं बनाया, मैं ही बना देता हूं. देखो फर्स्ट लाइट रे, यू कैन सी फर्स्ट लाइट रे व्हेन स्ट्राइक्स इट पासिस थ्रू इन डाइवर्जिंग मैनर, डाइवर्ज हो जाती है बिकॉज कॉनकेव लेंस इज डाइवर्ज. सेकेंड लाइट रे passes through optical center, और ऑप्टिकल सेंटर से लाइन हमेशा सीधी ही आएगी. सो सेकेंड लाइट रे passes through optical center, पास कर दीजिए सीधा स्केल लेकर, ठीक है? अब आप देखिए ये दोनों लाइट रेज यहाँ तक कहाँ मिल रही है, कहीं भी नहीं मिल रही. एक उधर जा रही है, एक उधर जा रही है, दोनों लाइट रेज दूर दूर जा रही है. हमें लाइट रेज को मिलाना है एक पॉइंट पे. कैसे मिला सकते हैं? इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करता हूँ इनको. देखिए यहाँ तो मिलेगी नहीं, तो इसको पीछे ले जाओ डॉटेड लाइन से. डॉटेड लाइन बनाइए, ठीक है? डॉटेड लाइन बना ली. अब देखिए कहाँ पर मिल रही है, इस पॉइंट पर. और ये पॉइंट हेड का इमेज है, तो हेड भी आप ऊपर ही बनाएंगे. सो यू कैन सी इन दिस मिरर लेंस, इन दिस लेंस ऑल्सो यू ऑब्टेन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. ओके, इसमें भी आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल रही है. ऑलराइट, सो रिवाइज करो इसको, ध्यान से देखो. ओके, सो वी शुड मूव ऑन. आपने हर मिरर का, हर लेंस का एक एक डायग्राम बनाया है आपने, ठीक है? अब आप एक मिरर के फोर और फाइव डायग्राम्स बनाएंगे. इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फोन में, या फिर आपने डायग्राम बनाया है तो अच्छा है. मैं इसको रब करने वाला हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, लेंस में रिफ्लेक्शन होता है. कॉनकेव मिरर एंड कॉनवेक्स लेंस कन्वर्स करते हैं लाइट को, अंदर की तरफ लेकर जाते हैं. कॉनवेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होते हैं, बाहर की तरफ डाइवर्ज करते हैं, ठीक है? और पहली लाइट रे फोकस से पास करती है, दूसरी लाइट रे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ठीक है? दोनों लाइट रेज जिस पॉइंट पर मिलेगी वो पॉइंट उस पॉइंट की बेस होगी. रियल इन्वर्टेड इमेज हमें कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस में मिलती है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलती है. ओके, रियल इमेज क्या होती है? जहां पर पॉइंट्स एक्चुअली जाकर मिल रहे हैं.
हमें उन्हें बैकवर्ड्स प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज वो होती है जिसमें पॉइंट्स रेज एक्चुअली नहीं मिल रही है, वी हैव टू प्रोड्यूस देम बैकवर्ड्स, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग बट दे अपीयर टू मीट, ओके। सो आई एम गोइंग टू रब दिस। उसके बाद हम कॉनकेव मिरर के सारे केसेस लेंगे, कॉनवेक्स लेंस के, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कॉनकेव मिरर कॉनवेक्स लेंस किस तरीके से लाइट को कन्वर्स करते हैं, ठीक है। Now we will study in detail the image formation by concave mirror. Types of mirror lenses तो सबको आता ही है ना, concave mirror, convex mirror, concave lens, convex lens, ठीक है। Now we will study four cases of concave mirror. Concave mirror के four cases हम पढ़ने वाले हैं इसमें। पहला केस देखिए, सबसे पहले आप चार डायग्राम्स बनाएंगे concave mirror के। कॉनकेव मिरर के चार डायग्राम्स बनाइए जल्दी जल्दी। प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए मिडल पॉइंट से, यहां पर मिडल पॉइंट इधर भी और इधर भी, आप एक एक करके भी बना सकते हो, अभी सिर्फ आप एक बनाइए, ठीक है। दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस, ओके। एक डायग्राम भी बना सकते हो आप, ओके। सो नाउ वी विल टेक डिफरेंट केसेस, अलग अलग केस लेंगे हम। फॉर एग्जांपल एक बार ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे, एक बार यहां रखेंगे, एक बार यहां रखेंगे, इमेज कहां कहां बनेगी वो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ओके। फर्स्ट केस हम देखते हैं व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, तब क्या होगा। इंफिनिटी मतलब पैरेलल लाइट रेज आ रही है, पैरेलल लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज आ रही है, ओके। व्हाट विल हैपन टू दीस लाइट रेज, दिस इज कॉनकेव मिरर अंदर की तरफ लेकर जाएगा और लाइट रे कहां पर होगी, फोकस पर कन्वर्ज होगी। सो ऑल दीस लाइट रेज मीट एट फोकस, सभी लाइट रेज फोकस पर मिलेंगी, ठीक है। व्हेन पैरेलल रेज स्ट्राइक्स कॉनकेव मिरर दे मीट एट फोकस, फर्स्ट केस, ओके। सेकंड केस, अगर व्हेन अभी फोकस पर इमेज कब बनती है, जब लाइट रेज पैरेलल आ रही हो, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही फोकस पर रखा, अगर हम ऑब्जेक्ट को ही फोकस पर रख दें तो क्या होगा। ऑब्जेक्ट बनाओ, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी मटेरियल है आपका लाइट सोर्स, फर्स्ट लाइट रे सीधी जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी अंदर की तरफ फोकस से ही, पहली लाइट रे फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड लाइट रे मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कीजिए, ठीक है। इस केस में आप देखिए थोड़ा मुश्किल होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है, तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसको पोल से पास करा सकते हो, ठीक है। पोल, ये पोल हो गया। अब आपको बताया जिस एंगल से स्ट्राइक किया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो सेम एंगल से ही आप पास करा दीजिए। अब आपको देखिए क्या लग रहा है, these two light rays are parallel to each other. So आपको क्या चीज नोट करनी है, when parallel light rays strike on concave mirror we obtain image on focus, or when object is placed on focus image of we obtain parallel beam of rays. parallel light ray आएगी focus पर बनेगी, focus पर रखे आप जाओ तो parallel light rays बनेगी, that's all, ठीक है। नेक्स्ट केस हम देखते हैं,
ये इधर देखिए आप, इधर इस डायग्राम में. नाउ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी, सी से बाहर ऑब्जेक्ट को रख दिया है. लाइट रे पास करो, फर्स्ट लाइट रे लाइक दिस. ओके, नाउ इट विल पास थ्रू फोकस. सेकेंड लाइट रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सीधी आएगी और सीधी ही वापस चली जाएगी. सीधी आई, स्ट्राइक किया मिरर को और सीधा ही वापस भेज दिया. सीधी आई और सीधी गई. ओके, इमेज कहां बनेगी? टॉप पॉइंट कहां है? नीचे. तो इमेज भी इनवर्टेड उल्टी बनेगी. वी ऑब्टेन रियल एंड इनवर्टेड इमेज. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, वी ऑब्टेन इमेज बिटवीन सी एंड एफ. ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट बियॉन्ड सी. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी. इमेज कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ. ओके, नाउ इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है? रियल एंड इनवर्टेड. रियल एंड इनवर्टेड. ओके, ये केस हो गया. अब हम थर्ड केस लेते हैं. इधर देखिए इस वाले डायग्राम में, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है हमने, ये हो गया सी, ये हो गया एफ. सी और एफ के बीच में रखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन. फर्स्ट लाइट रे पासेस थ्रू फोकस, फोकस से पास होगी पहली लाइट रे, पहले सीधी जाएगी फोकस से पास होगी. सेकंड लाइट रे, सेकंड लाइट रे आप किससे पास कराते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पीछे दिख रहा है तो इससे मत कराओ, या तो फोकस से करा दो या पोल से करा दो. सेकंड प्रायोरिटी हमारी होती है फोकस, फोकस से करा दो. ठीक है, जब फोकस से लाइट रे पास होती है, अभी आपने पढ़ा था पैरेलल लाइट रे फोकस पर मिलती है, और जब फोकस से लाइट रे पास होती है तो पैरेलल हो जाती है. सो दिस वे दिस लाइट विल बिकम पैरेलल. जब भी कोई पैरेलल लाइट आएगी तो वो फोकस से पास होगी, और कोई फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी. सो फोकस से पास करने के बाद दिस लाइट रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. Now this is the image of head. So image कैसी बन रही है आपकी? U. ठीक है, real and inverted. That diagram, third diagram में देखें. तो object की position क्या थी इसमें? Between C and F. और image कहाँ बन रही है? Beyond C. Real and inverted. आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक को अच्छे से ये सब देखना, उसमें रिवाइज करना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. उसमें सब दिया हुआ है कैसे कैसे लाइब्रेरी क्लास होती है रिवाइज करने के लिए. ठीक है, देखिए उस केस में, देखिए सेकंड केस में ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड सी, इमेज कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ. ठीक है, इसमें रखा है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ और इमेज कहां बनी? बियॉन्ड सी. अपोजिट केस है ऑब्जेक्ट और इमेज की. ठीक है, ये डायग्राम समझ आया होगा आपको थोड़ा बहुत. उसके बाद नेक्स्ट केस में हम आते हैं. आपने ऑब्जेक्ट को वहां रख लिया, फोकस पर रख लिया, पैरेलल में रख लिया, सी एंड एफ के बीच में रख लिया, सी से बियॉन्ड रख लिया. अब आप कहां क्या रख सकते हैं? कहां पर रख सकते हैं? इधर. इस केस में, लास्ट केस में आप ऑब्जेक्ट को कहां रखिए? एफ से भी आगे, एफ से भी आगे. अब तक आपकी इमेजेस कैसी बन रही है? रियल एंड इनवर्टेड बन रही है. रियल एंड इनवर्टेड. अब इस केस में देखिए क्या होता है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तब कहां पर इमेज बनेगी? देखिए पहली लाइट रे फोकस से पास कराई. ठीक है, फोकस से पास हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई. सेकेंड लाइट रे आप कहां से पास कराई? सेकेंड लाइट रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से करा सकते हो या पोल से भी करा सकते हो. ओके, पोल से करा दो. पोल में प्रॉब्लम ये रहती है कि जिस एंगल से आपने रिफ्लेक्ट किया
सो इंसिडेंट क्या उसी से आपको रिफ्लेक्ट करना होता है. तो कई बार एंगल गलत हो जाता है, सो आपको बहुत ध्यान से बनाना है. ठीक है, आप इसको पोल से पास कराते हो अगर, इसी एंगल से आपको इसको क्या कराना है, रिफ्लेक्ट कराना है. ठीक है, दैट्स हाउ. अब आप देख सकते हैं इसमें रेज ऑफ लाइट नहीं मिल रही, एक लाइट रे उधर जा रही है, एक उधर जा रही है, तो बोथ लाइट रेज आर नॉट मीटिंग. सो इमेज कैसे बनेगी, यू प्रोड्यूस देम बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स प्रोड्यूस कर दो. और जब भी बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करके इमेज बनाते हैं, वो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो इस केस में इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ऑब्जेक्ट को कहां रखा, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में रखा है. इमेज कहां बनी, बियॉन्ड द लेंस, लेंस सॉरी मिरर, मिरर के दूसरी तरफ बनी. आपको पता है मिरर रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, सो इमेज भी हमेशा जो है उसी तरफ बनती है, लेकिन इस केस में इमेज दूसरी तरफ बनेगी, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके, आपने पोजीशन देखी, नेचर देखा, नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड बट वर्चुअल एंड इरेक्ट लास्ट केस. साइज देखिए आप, साइज इसमें साइज क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड उधर बियॉन्ड सी वी गेट स्मॉलर इमेज, छोटी इमेज हमें मिलती है. इस केस में वी गेट बिगर इमेज, और उसमें तो आपको दिख ही रहा है बहुत बड़ी इमेज मिल रही है. ओके, सो एनसीईआरटी की बुक में आपके एक टेबल है जिसमें सब लिखा हुआ है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस इमेज विल बी फॉर्मड एट दिस, नेचर विल बी दिस एंड साइज विल बी दिस. ओके, सो इन ऑल दीस केसेस यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योर ओन. फर्स्ट लाइट रे फोकस, सेकंड लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करा सकते हो तो फोकस से करा दो या फिर पोल से करा दो. ठीक है, सो ये है कॉनकेव मिरर के केसेस. आप इसको रिवाइज कीजिएगा नोट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसको उससे रिवाइज कर लो. ठीक है, ये हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का हमने पढ़ा है. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव प्रैक्टिस दिस ऑन योर पेपर, पेपर पर लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है पीछे चल रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो. आपको ये पहली बार भी बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, दो तीन बार आप प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी और एंटरटेनिंग लगेगा. अभी हमने कौन सा मिरर पढ़ा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हम पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर. नाउ मैंने आपको एक चीज बताई थी, विच मिरर, ओके कॉनकेव मिरर इज सिमिलर टू विच लेंस, कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज कौन से लेंस से मिलती है, कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस से नहीं, कॉनकेव मिरर कॉनवेक्स लेंस से मिलता है, कैसे प्रॉपर्टीज. तो अभी आपने कॉनकेव मिरर सीखा, ठीक है, और वही उसी तरीके से आप कॉनवेक्स लेंस के डायग्राम बनाओगे. मिरर अलग है, लेंस अलग है, कॉनकेव अलग है, कॉनवेक्स अलग है. ठीक है, कॉनकेव मिरर सिमिलर टू कॉनवेक्स लेंस. अभी आपने कॉनकेव मिरर के डायग्राम्स देखे, ओके, उसके बाद आप देखिए कॉनवेक्स मिरर के, मिरर भी पढ़ रहे हैं मिरर. अभी आपने कॉनकेव पढ़ लिया है, अब कॉनवेक्स पढ़ेंगे, कॉनवेक्स. कॉनवेक्स मिरर, कॉनवेक्स मिरर बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर किधर होगा, उधर होगा, सर्कल उधर बन रहा है, सेंटर फोकस, ऑब्जेक्ट को रख दो कहीं भी, कहीं पर भी रख दो आप, ध्यान रखिए. ठीक है, उससे पहले आप ये देखो कि अगर पैरेलल लाइट रेज आ गए, पैरेलल
इंफिनिटी से लाइट में जा रही है तो कैसे मिरर रिफ्लेक्शन होगा? आप बताइए, लाइट रेस इसको पास करेगी उधर जाएगी या फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी? मिरर में रिफ्लेक्शन होता है ना, वापस इस पॉइंट से फोकस से। फोकस तो इधर है नहीं, तो पीछे है, तो पीछे आपको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करके बनाना पड़ेगा। तो स्केल लेकर ऐसे बनाएंगे कि इसी डायरेक्शन में बैकवर्ड्स ऐसे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है, फैला देता है, डाइवर्ज। ठीक है, अब इसको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस कर लो, देन यू गेट इमेज एट फोकस। फोकस पर पॉइंट साइज आपको इमेज मिले। सो व्हेन पैरेलल लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन कॉन्वेक्स मिरर वी गेट पॉइंट साइज इमेज ऑन फोकस। कैसे हुआ देखो, हिमानी जोशीयर के मिलर इमेज ऑफ फर्स्ट केस विल बी फॉर्म। फर्स्ट केस कौन सा था आपका? फर्स्ट केस था जब पैरेलल लाइट रेस आ रही है तो इमेज बनेगी फोकस पर। ठीक है, पैरेलल लाइट रेस जब भी आएंगी फोकस पर इमेज बनेगी। ठीक है, और अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है, तो इमेज कहां बनेगी? पैरेलल। पैरेलल मतलब इंफिनिटी पर। ठीक है, इंफिनिटी पर इमेज बनेगी, और इस केस में फोकस पर बनेगी। ठीक है, समझ आया? आपको ध्यान रखना है कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग होता है, सॉरी डाइवर्जिंग होता है, सो डाइवर्ज कर दो इसे, फैला दो। ओके, ये फर्स्ट केस था। कॉन्वेक्स मिरर में सेकंड केस देखिए। कॉन्वेक्स मिरर में ओनली टू केसेस ही होंगे, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केसेस होंगे। पहला केस आप पढ़ चुके हो, दूसरा केस देखिए, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट रखो, लाइट रे को मिरर पर स्ट्राइक करो, मिरर पर गिराओ लाइट को सीधे। अब देखिए पहली लाइट रे कहां जाएगी? वापस फैल जाएगी, डाइवर्ज होगी। कैसे? जैसे लगे फोकस से ही आ रही है। ठीक है, सो ऐसे डाइवर्ज कर। ठीक है, सेकंड लाइट रे, यू नो सेकंड लाइट रे पासिस थ्रू पोल या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो आपकी प्रायोरिटी हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होनी चाहिए। ठीक है, सो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे पास करा सकते हो इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास हो नहीं सकती, क्योंकि ये उस तरफ है, सेंटर उस तरफ है, तो लाइट इधर ही जाएगी। सो वही चीज आपको अप्लाई करनी है, पीछे प्रोड्यूस करना है उसको। सो इसलिए आप पहले ही स्केल लेकर ऐसे स्ट्राइक करो कि पीछे पहुंचे। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां तक आपको बोल्ड लाइन बनानी है, और उसके बाद आपको डॉटेड लाइन बनानी है। ठीक है, अब देखिए दीस टू लाइट रेज आर नॉट मीटिंग, एक उधर जा रही है एक उधर जा रही है, सो वी विल गेट वर्चुअल इमेज। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग इट बैकवर्ड्स, पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक को इधर और एक को इधर, डॉटेड लाइन से हमने पीछे प्रोड्यूस कर दिया, देन लाइंस मीट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर मिल गई। ओके, so that's how you are getting this image on the other side of the mirror in convex mirror. ठीक है, position of object, any position, image कहाँ बन रही है? Image बन रही है on the other side of mirror, virtual and real, virtual and real, virtual and real image कब बनती है? लिख कर बताओ। ओके, सो कन्वेक्स मिरर में यही केस होगा बस। एक टेबल मैंने लास्ट क्लास में आपसे बनवाई थी, मैंने बनाई थी, आपने नोट की होगी कि कौन सा मिरर डाइवर्ज करता है। जैसे कि मिरर, ये वाली टेबल मैं फिर से बना रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मिरर लेंस कॉन्वेक्स